सत श्री अकाल वीर जी, मैं थारा गला गलाखड़ परमजीत लाडा लाडा डिस्कशन रेडियो प्रोग्राम के बिच मां कर रहा सारयां का निघा स्वागत। अज दियां बड़ियां खबरां पौती खबरां लेकर लाडा पहुंच लिया वीर। पहली बड़ी खबर यो चन्नी साहब देख लियो वीर, अद्धी अद्धी रात तक फिर यहां सड़कां पा कदे कंध पा बह जा कदे कदे कोई तंबू कनात्मा बह जाका। मतलब यो कह लियो चन्नी साहब कह रहे भी जे मतलब मैनू 100 दिन मिलिया तो 100 रातां भी मेरिया, मतलब 200 दिन बना ले चन्नी साहब ने दिन रात पाका। इतना भीर अद्धी रात नू दरखास्तां लेकर पहुंचे लोग चन्नी ने, उन्होंने रोटी पानी भी खड़ाया। तंबू देखा तो न्यू लग रहा था भी उसका ब्याह भी उसी रखा वा, उथा कुर्सियां कारसियां लाई हुई। और हैरानी की बात यो भीर भी वोटरां नू बुद्धू बनाने वाली गल बन रही, तो बुद्धू ही बन रहे वोटर। कांग्रेस की बोतल पहला वाली कह सकां भीर, ये सिर्फ लेवल बदलते आ। मतलब पहला लेवल कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला था, ईव लेवल जिहड़ा आ गया चन्नी साहब वाला है। पौने 5 साल कोई नज़र नहीं आया सीएम साहब चन्नी साहब कदे अपने हल्के में इस तरह कदे किसी नू मिल नहीं गए। आज वाह कदे अपने पिंड के किसी इतिहासक स्थान पर जा रहे, पिंड के लोगों ने मिल रहे। मतलब यो कह लो भी किते ना किते यो कहा जा सका भी पंजाब के विच में सियासत जिहड़ी पूरी पीक पर चल रही, हर इस चीज़ का घाटा झंडे नू सब ते वध पै रहा। क्योंकि झंडे नू यो लग रहा था भी यो जिहड़े काम कर रहा यो मारी नकल बाजरी, यो काम मैं करने ते यो तो पहले ही चन्नी करका दिखाण लग गया। बाकी भीर लोगों नू होवा भी मारा काम हो रहा, मन ना किसी ते क्या धनिया लेना, कोई कुछ करे ना करे, वोट तो पाए देनी भेडा मारे तो पंजामा भेडा हक का, जिधर नू कर देंगे उधर नू चले जाएंगे। यार जिदन की देख लो लाइट सस्ती करी, पेट्रोल सस्ता करया, डीजल सस्ता करया, होर जिहड़ियां सहूलतां लोकां नू देतियां, यो सहूलतां देण ते बाद लोग 4.5 साल राजे वाला राज भुल गए। और जिहड़ी चाल कांग्रेस ने चलनी थी वह चलका सफल होगी, क्योंकि लोग यो कांग्रेस वालियां नू पता था भी जे राजा रहा पार्टी के विच और 4.5 साल ते जिस तरह हुण चन्नी कर रहा सहूलतां, इस तरह जे कैप्टन सहूलतां देवेगा ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਈਵ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਈਵ ਚੰਨੀ ਮੂਹਰਾ ਕਰਤਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਜੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰਿੰਦਾਵੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਬਾਤ, ਕਹਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੁੱਖੀ ਰਿੰਦਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕਰਾਵਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ ਵਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ, ਉਹੀ ਮਾਰਾ ਮੰਤਵ ਹੋਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਹੋਏਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕਾ 2 ਪੈਸੇ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਕਾ, ਕਹਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਟਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਘੜ ਘੜ ਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਈ ਕੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਡਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਫੜਿਆ ਸੌਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਚਾਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਕੈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਦੇਸ਼ ਕਾ GDP, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਡਾਊਨ।
किसी मातरी का कलेश खड़ा हो गया, कोई बलात्कार केस में आ गया, ला दियो लॉकडाउन। ये तो लॉकडाउन मतलब कह लो वरदान साबित हो गया इन वास्ता। ये वो कह रहा है धुआं बहुत हो रहा है, यो तो नियत की बोल लिया भी यो दिल्ली ते यो जेड़ा धुआं इकट्ठा हो रहा भी यो हरियाणा ते आ रहा पंजाब ते आ रहा। यो कह रहा दिल्ली के आसपास लोग कहा मजबूरी कहा मजबूरी बोलिया पहली बार केजरीवाल ने कहा मजबूरी करका किसान कहा यो पराली नु अग ला रहे। पर यो तो लाला जी तो तैयार करी बैठे मसाला एक कहा यो यो पानी का यो घोल का पा दियो मसाला का खाद बन जाएगी का पूरी पराली की। लाला जी की तो यो तकनीक हाले तक पंजाब में तो वरती नहीं किसाना जी तो अग ला रहे भाई दिल्ली के बिच में धुआं जा रहा। ऐतकी खैर पंजाब का नाम तो लिया नहीं क्योंकि ऐतकी फिर जे आप एग्जिट पोल की बात करा जेडे पोल होवान लोग यो कट का दवा इसके बिच में आम आदमी पार्टी की सरकार बन दी नजर आ रही एग्जिट पोल के अंदर। इस करका फिर केजरीवाल इस तरह के टाइम पर आगा कोई इस तरह का बयान लेगा जोखम नहीं लेगा अपने पर। अरे कब तक घर ही बह जाओ कोई बात नहीं। इब दस पटाके भी तो चलाए लोगों ने तो चन्नी ने पटाके भी खुले चला दे घर चला दे पटाके कोई चक्कर नहीं पैण दे तू अंजना पैंता ना समझ इसके है। और इब किसानी का जड़ा मसला इस कर का भी यो कह लो भी केजरीवाल कुछ बोल लिया नहीं भी चलो किसाना ने भी वोट पानी। और पंजाब के बिच में भी यो बात की पक्की गल भी जे किसी की सरकार खड़ा बना वाह भीर किसानी और किसानी नू लेकर ही सरकार बना। बाकी भीर यो टाइम टाइम की बात जे वोटा ना होंदिया फिर अगले ने कह भी देना था हरियाणे वाले पराली नू अग ला रहे पंजाब वाले पहला भी तो चार साल बोल रहे भीर। और उधर कल बापू प्रकाश बादल का छोकरा देख लियो क्या करके आया क्या कम करके आया लोग बहुत बातें बना रहे भी वो क्या हो रहा। सखबीर बादल ने कल भी उत्था हलवाई की दुकान पर चलिया गया उत्था जाकर जलेबियां कढ़न लग गया। और मैनु हैरानी इस बात की हुई भी लोगों ने और यो अकाली दल आलिया ने जेडे कि सपोर्टर लोग और यो वर्कर इन्हों ने जलेबियां कढते भाई नारे मारने शुरू करते दस जकारे लाते। ये चमचागिरी की हद भी ना मैं तो देख कर भी हैरान रह गया है। चमचिया का औखा भीर है भी जलेबियां कढ़ने बाद जकारे लाने का क्या काम दस थाना कबीड़े देखे नहीं मजीठिया अभियान कर रहा था मूरा एक खड़ा है बैठा उत्था भाऊ जहा खड़ा होगा लग गया नारे मारने छुके कहा मारी जा रहा कहा बाज भी नहीं निकल रही इसकी है भाई। सखबीर बादल ने जलेबियां कढ़ाही माते कटिया खूह माते थोड़ी कटिया भी जिड़िया थाना भी इतनी मतलब कह रहे जकारे मार मार का खुश कर रहे उसने जोश बधा रहे उसका है। मैं तो बस ना इस तरह के सौक पा रहे कदे गोलगप्पे उठा तैयार कर ला जा कदे यो कुछ कदे कुछ कदे कुछ है इस तरह के सौक रब कल जो पक्का ही सौक पूरा करता फिर। अरे मारे पंजाब की सियासत के बिच बड़े लीडर क्या उम्मीदा रखेंगे छोटे हूँ माड़ी जी गल भाई मतलब बादल का पार्टी दुए पासे लंघ जा बड़े लीडर योग ये लक्षण कर रहे है चन्नी कह रहे मैं मझा चन्नी दे मझा चवा लो सुखबीर बादल जलेबियां कढ़ा लो चन्नी हाकी खिला लो चन्नी दे सुखबीर बादल फुटबाल खिला लो चन्नी दे भंगड़े पवा लो सुखबीर बादल होली खिला लो है। और ड्रामे ड्रूमे करने में यो मतलब सिद्धू साहब भी पीछे है नहीं वो भी बहुत अग्गा जो मर्जी करा लियो ये उड़ता पंजाब ये डारे पूरा पंजाब नु देख लियो वीर है। अरे यो काम बढ़िया वीर जलेबियां का माड़ा नहीं कहता मैं छड्डो ना कोई काम कैप्टन और सुखबीर बादल रलका यो ढाबे वाली प्लानिंग भी करनी जो कैप्टन अमरिंदर है मुर्गा यो रोटी बनाई गई उदन खिलाड़ियों खातर खिलाड़े रोटी खिलाई पड़ देखे ही थाना। और बाकी भीर चलो मजाक ला मजाक रहा सुखबीर बादल का ढिड देख कर न्यू लग रहा देख लो पिंडा वा शहरा वा हलवाई देख लो बड़े बड़े ढिडा वाले अजकल तो खैर जिम जा हाँ हलवाई पहला हलवाई के ढिड इतने इतने बड़े हुए करते अरे है भी जो हलवाई हलवाई जेडे होमा यो इश्कर का मोटे हो जावे जा मिठा उबला फिर उसकी जड़ी अर्ख होगा मिठा उबल उबलगा उसकी खुशबू अंदर जा फिर ढिड बड़ा हो जा। पर चलो कोई बात नहीं
ਵੀ ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਾਂ ਕਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ ਪੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਆ ਦਿਲ ਕਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਰ ਉੱਧਰ ਅੱਜ ਕਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੋ ਗਿੱਦੜ ਵਾਹਿਆ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵੀਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕੱਟ ਦੇਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਫੜ ਲਏ ਐਤਕੀ ਛੋਟੇ ਨੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੜ ਲਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਕਰਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਪੂਹੀ ਫੜ ਲਏ ਕਰਤੇ ਜਾਗਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਉਰਾ ਦੋ ਡੱਬੇ ਨਾਰ ਕੇ ਦੋ ਝੂਰ ਲਿਆਂਗੇ ਪਾ ਦੇ ਦੋ ਯੋ ਝੱਕਰੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਵਾਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਾਧੋ ਪੇਟੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੈ ਅਰ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਾਂ ਅੱਜ ਪਰ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਕਹਾ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੇਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਕੂਣਿਆਂ ਪਰ ਲਾਵੇਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰੋਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਲਿਆ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਬਾਤ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁਠਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੈ ਗੁਠਲੀਆਂ ਕਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਕੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨੀ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਤਰਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਤਰਾ ਹਾਂ ਅਰ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਜੀ ਲੇਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪੁੱਤ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੀ ਚੱਲ ਅਰ ਨਿਆਣੇ ਵਾਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਅੱਜ ਵਾਹ ਨਿਆਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਪਤਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੱਖੇ ਇਹੋ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਜੜ ਜੜ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਸੜਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਗੈਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਬੋ ਗਿੱਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਚਲਾਏ ਕਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਲੜਾ ਕਰਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ ਔਰ ਉੱਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਾ ਇਹ ਸਮੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੌਮ ਕੀ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਯੋ ਬੀਬੀ ਯੋ ਮਮੀਸਾ ਈਸਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗਏ ਰਾਜ ਖੋਲਤੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥਾ ਗਿਆ ਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੇ ਹਰ ਉੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਦੱਸ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੀ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤੀ ਜਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਕੀ ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਂਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਂਗੀ 2017 ਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨੀ ਫਿਰ 2018 ਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੀ ਇਹ ਭਦੌੜ ਦੇ ਟਿਕਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਦੀ ਉੱਥਾ ਦੇ ਜਾਗਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਬਾਤ ਬਣਾ ਦੱਸ ਇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ 2015 ਲੇਗਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਕਹੀ ਦੱਸ ਸਰਫਾਗੰਜ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥਾ ਗਈ ਉੱਥਾ ਤੂਰੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀਰ ਉਸ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ ਸੁੰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਰੁਲਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਕਲੀ ਹਾਸਿਆਂ ਵਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੱਕਾ ਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿਆਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾ ਛੋਕਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਡੈਡੀ ਕਹਾ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾਬ
यो खैरा छोकरेगा यो सुमाल खैरेगा छोकरा। अरे वीर ईब कहा भी प्यो की लड़ाई में आप लड़ांगा, जो मर्जी कह रहे हो, मतलब यो कह लो पापा तो मतलब किसी पार्टी में यो मतलब कहे, अब कह सका फिर ठीक है नहीं, पहला कांग्रेसी था पापा, फिर यो बन गया झाड़ू वाले का, फिर झाड़ू वाले के बाद यो फिर कांग्रेस वाले का हो गया, कांग्रेस वाले का भी होया राजे का, राजे ने बेला करता सखबाल खेरा बेला हो गया। इव यो तो कह रहा कहा भी यो चाहे टोपी आने ने पाया चक्कर सारा का, टोपी आने ने कहा मेरे पापे ने फसाते अंदर, पापा का मारा सच बोला टोपी आने कर गा, इन्होंने कहा मारे गल फंड खा गए का टोपी आने, इतना बाहरले मुल्कां दे लिया लिया का, उसकी कोई बात नहीं करता, मेरे पापे की बात करी जा, पर टोपी आने ने तो यो कह लो भीर इव चलो टोपी आने तो जो करे उन्होंने छोड़ो वह तो करेगा, यो तो वो दो राय है नहीं भीर, क्योंकि केजरीवाल तो कहेगा कहा मेनू फंड की लोड है नहीं का, मतलब वोट की लोड, उसने पता भीर जब लुधियाने आया था उत्था व्यापारियों गल बात कर, इसनू पता भी बाहरले मूर खड़े तो दंदे नहीं पैसे, ये तो जवाब देगी साहब डॉलर नहीं भेजने भीर, पर टोपी आला ना यो क्या धोखा तो करया, तो काके अपने पापे ने पूछ बीबी खालड़ा गैल जो होया वाह सही होया का गलत होया, उसकी भी उधार ले जागा पापे, खुद मुख्तियारियां बातें सुखपाल सिंह खैरा कर रहा था, चलो कोई बात नहीं भीर बंदे नू कई बार उसकी हशियारी मार जा, यो बात भी दो राय, बादल साहब ने बहुत हशियारी करी, कैप्टन साहब ने बहुत हशियारी करी, ईब बड़ी उदाहरण सुखपाल सिंह खैरा ने सारी करी अगला चक अंदर दे, बाकी भीर यो तो टाइम टाइम की बात, यो सियासी पोलिटिकल स्टंट हो माई, ये भी नहीं पता भी छोकरे नू यो पैरासूट लागा ताड़ा तारना वे, छोकरा तो आ गया पार्टी सर यो कर ला गया एक्टिविटी शुरू की, वोटा आ गया कल किसी ना किसी पार्टी में खड़ा होगा, यो MLA की टिकट 5 साल 4 साल करो राज, 4.5 साल बाद करो प्लैन, और लास्ट आले 1.5-2 महीने में लोग काम कर दो, वोटा फिर पक्या दियो, मारे पंजाब की सियासत की जड़ी यो चल रही बायोग्राफी। और उधर मलुका साहब का बयान सुनिया कल, मलुका साहब कह रहे का जे टिकटा लौसला कर दिया माधी पार्टी का जिड़े है ते 10-12 जो भी भज जाते, पर मैं तो यो कहा मलुका साहब चलो जो है ये तो ठीक है भाई, यो तो चलो ईवी ने करिया थारे आला तो देख लो भीर वोटा की लोगों को पता भी था जाते शुरू कर गया था ऐलान कर लग गया था यो फलाने जगह से यो खड़ेगा फलानी जगह से यो खड़ेगा, थारा तो रौला भी कोई यहा है नहीं था, सुखबीर बादल ने कितने लोगों ने टिकटा पहले ही लॉस करती ने हाल तो वोटा लोगों की याद भी नहीं वोटा आ गई, यो बात तो नहीं बनती कहनी, बाकी भीर जीवदार है केजरीवाल, मैं तो यो कहा जिस करका थारे प्रधान जी जलेबियां कढ़न लग गए, नहीं थारे प्रधान जी कदे सुने थाने भी सुखबीर बादल जलेबियां कढ़ रहा, जलेबियां कढ़ रहा कल देखा होना थाने सारा ने, है यो उसी करका फिर मोटरों में बहन लाते जलेबियां कढ़न ला दिया, गोल गप्पे खाने शुरू करते, बर्गर कुलचे खाने लाते सड़क रेहड़ियां पर, है बाकी सुखबीर बादल ने भी मलुका साहब थारे गए मैनू लगा ठीक नहीं करी, छोकरे ने टिकट मंग रहे थे थम अपनी मंग रहे थे नहीं दई, उत्था जगमीत बराड़ खड़ा करते आई, जगमीत बराड़ जिड़ी टिकट भाले थे थम उत्था दई नहीं अगले ने, फिर सुन में जो भी आया ढींडसे का इस्तीफा थाना मंजूर नहीं करया, परविंदर का परविंदर ढींडसे का इस्तीफा नहीं मंजूर करया, सुखदेव ढींडसे का है यो इस्तीफे नहीं मंजूर करे, थम भी तो अंदरले खाते खेल ही, चलो जिसका दाव लगा आला खेल ही, चलो जानते पहले खबर होर यो कह लो भीर थारे कह लगा करा बी होटल के बाद चल रहा था जिसम फरोसी का धंधा, पुलिस वाले मारी रेड कई काबू कर ले बंदे दस, पर मैं यो बात जाननी चाहा भी यो जेडे कमरे देने वाला इनके ऊपर भी करेंगे थम कार्रवाई के जोड़े ने चक्का देंगे अंदर, पुलिस सारा कुछ पता होगा भीर केड़े होटल का क्या कर रहा, लोग ऊ दस लोगों नु एक मूर्ख बनाने वाली खेड हो भाईओ, पुलिस जिसने पुलिस ने जिन्हू हिरासत में लेना जिसनू फड़ना उसनू फड़ती नहीं, उसके तो अग्गा पिछे फिर रही है, ऐ लोगों ने फड़ फड़ा नंबर बनाई जा, मन तो समझ में नहीं आती
अरे पुलिस यो भावे जो मर्जी कर लियो जब जिथ पहुंचनी टाइम पर उथा पहुंचती नहीं जो जद होटल पर रेड मारनी होगा ना फिर सारे पुलिस वाले की वर्दियां धोनिया तो साफ सुथरे है पिच बिच होगा होटल पहुंचे हुए वहां और उथा बंदे फाड़ भी लिया और पत्रकार जो फिर था गेड़े खाते इन्होंने वधिया मुद्दा मिल गया छे सात दिन यो रगड़ेंगे खबर पूरा फिर चलो खैर लाटा डिस्कशन रेडियो प्रोग्राम के एतबार अज ना नू लियो बड़े बंदे कहा भी एतवार को नहा आप दो मैं भी नहाँगा अज गर्म पानी करका तत्ते पानी के नहावेंगे पाथियां गिठी में दे रखी बीबी ने मारी ने आर सिल्वर का पतीला चढ़ाया वापर पानी वाला मज नहा का फिर रजाई में पड़का पिएंगे गिलास चाह का और कलू करेंगे थारे गल अगली गलबात लाडा पुआधी की जा रहा भीर सारू प्यार भरी सत श्रीकाल।